अगेतर वाला टॉपिक स्टार्ट करांगे बेटा। पहले तो अगेतर की डेफिनेशन करनी है, अगेतर कहंदे किनू है। ठीक है, तुसी फिर नोटबुक ते लिखनी भी है अगेतर प्रीफिक्स। आपा 6th विच भी तुसी कीते होए है कि पहले डेफिनेशन ध्यान नाल देखो। अगेतर केड़े शब्द हुंदे आ? अगेतर ओ शब्द हुंदे हन जेड़े मूल शब्दां दे अगे लग के एक नवा शब्द बनाउंदे हन। अगेतर केड़े शब्द हुंदे है? अगेतर ओ शब्द हुंदे हन जेड़े मूल शब्दां दे अगे लग के एक नवा शब्द बनाउंदे हन। ठीक है, एक नवा शब्द बनाउंदे हन। ठीक है, नवा ते सार्थक शब्द लिखो, नवा शब्द बनाउंदे हन या नवा ते सार्थक शब्द बनाउंदे हन। जिवें फॉर एग्जाम्पल है अगेतर प्लस मूल शब्द इक्वल टू नवा शब्द। ठीक है, बाकी पहला अगेतर नु जोड़ांगे फिर ओदे पिछे मूल शब्द। मूल शब्द बाकी जिदा कोई ना कोई की होएगा मीनिंग होएगा। ठीक है, जे अगर मीनिंग नहीं होएगा तो की है मूल शब्द नहीं होंगे। मूल शब्द वो नेड़ा कोई ना कोई मीनिंग होवे। ठीक है, जिहड़ा फॉर एग्जाम्पल अगेतर लगा के आपां अगेतर लगाया। ठीक है, ओदे पिछे आपां मूल शब्द लगाया अ प्लस मर। ठीक है, ते ए तो नवा शब्द केड़ा बनया अमर। ठीक है, भाव की अगेतर लगा के ओदे नाल मूल शब्द ऐड कर दिता। अगेतर लगाया ओदे नाल मर शब्द, जिहड़ा मर की है मूल शब्द। ठीक है, जदों आपां दोनां नूं प्लस कीता ते ओदा एक नवा शब्द बनया अमर। भाव की जदों भी असीं अगेतर दे पिछे मूल शब्द लगाना है ओदा कोई ना कोई की होवे मीनिंग होवे। अगर मीनिंग नहीं होएगा मतलब वो गलत है शब्द। ठीक है, इस तरह काफी शब्द बनते हैं, जिदा काफी बना सकते हो पर गलत है ओदा। तुसी जेड़ा भी शब्द बनाना देखो हाले को अमा आपां अ अगेतर लगा के बनाने हैं। ठीक है, आपां अ दे हैंड रख लो पिछे मर दा मीनिंग है। ठीक है, ऐसी तरह अमर प्रोपर अमर दा भी मीनिंग है। ठीक है, मूल शब्द दा भी मीनिंग होवे ते पूरे अगेतर दा भी प्रोपर मीनिंग होवे। ऐसे तरह होर शब्द है अशुद्ध। ठीक है, जेड़ा आपा पिछे शब्द लगाया शुद्ध लगाया ओदा भी मीनिंग है ते पूरे अगेतर दा भी मीनिंग है। ठीक है, शुद्ध मतलब करेक्ट स्पेलिंग, अशुद्ध मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, ऐसे तरह अकथ। ठीक है, कथ मतलब कहना, अकथ जिहड़ी गल नूं असीं कह नहीं सकदे ओह की हुंदी अकथ। इसे तरह असह, अ प्लस सह, सह मतलब सहना, असह जिस नूं असीं सह नहीं सकदे। ठीक है बेटा, समझ आ गई अगेतर कहंदे किहनूं है? ठीक है, अगेतर ओ मूल शब्द हुंदे हन, अगेतर ओ शब्द हुंदे हन जिहड़े मूल शब्दां दे अगे लग के एक नवा ते सार्थक शब्द बनाते हैं। भाव की जिहड़ा नवा शब्द बनता है ओहदा कोई ना कोई मीनिंग होवे, जिहड़ा आपां मूल शब्द लगाया है ओहदा भी कोई मीनिंग होवे। ठीक है, ईजी तरीका की है, आपां हथ हैंड रख के देख लो, आपां अगेतर दे पिछे जिहड़ा मूल शब्द लगाया ओहदा मीनिंग है ऐदां ही मर दा, देखो शुद्ध दा मीनिंग है, कथ दा मीनिंग है, सह दा मीनिंग है, हर चीज दा मीनिंग है जो आपां पिछे लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, जो असीं पिछे शब्द लगा रहे हैं मूल शब्द ओहदा मीनिंग है ते पूरे अगेतर दा भी मीनिंग है। समझ आई अगेतर पहले कहंदे किहनूं है? क्लियर है बेटा सारे नूं? यस, वेरी गुड, रिश्ता ने हैंड्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ठीक है, हुण आपां अगेतर स्टार्ट करांगे। फर्स्ट है बुक खोल लो बेटा तुसीं अपनी ग्रामर बुक, फर्स्ट है तुहाडे दे उप। ठीक है, फर्स्ट है उप,
ਪਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਰ ਫੋਰ ਅਗੇਤਰ ਲਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਫਸਟ ਹੈ ਉਪ ਉਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਪ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਉਪਨਾਮ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਨਾਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਪਨਿਯਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਯਮ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਯਮ ਰੂਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਵਾਕ ਵਾਕ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਪ ਵਾਕ ਵਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਬੋਲ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਪ ਵਾਕ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਪ ਬੋਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ ਬੋਲੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਤਰ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਰ ਫਸਟ ਹੈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਪੜ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੜ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡ ਲਿਖੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਧ ਅੱਧ ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਧ ਅੱਧ ਮੀਨਿੰਗ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਫ ਅੱਧਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹਾਫ ਫਸਟ ਹੈ ਅੱਧ ਖੜ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧ ਖੜ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 50 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਖੜ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਅੱਧ ਖੜ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਖੜ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਮੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਇਆ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
बेटा कई बार ऐसा होता है किसी इंसान को इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है, हालत इतनी क्रिटिकल होती है, ना वो जीन दे विच होता है ना वो मरण दे विच होता है। उनको कहते अध मोया। नेक्स्ट है अध रंग। अध रंग, अध रंग मतलब पैरालाइज अटैक। बेटा कई बार की होंगे किसी इंसान को पैरालाइज अटैक हो जाता है, उसका हाफ हिस्सा बॉडी का हाफ पार्ट काम नहीं करता, जिवें एक आईज काम नहीं कर रही, एक बांह नहीं कर रही, ठीक है, एक लैग या कि फुट काम नहीं कर रहा, भाव की अतरंग हो गया, पैरालाइज का अटैक हो गया, एक हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा। अद ते होर वर्ड ऐड करो बेटा, अद खिड़िया, अद खिड़िया मतलब है अद्धा खिड़िया होया। हुण आपां कई बार बेटा तुसीं फ्लावर देखे होणगे जिहड़े पूरी तरह खिले नहीं है, ठीक है, अद खिड़िया मतलब जिहड़े फ्लावर है पूरी तरह खिले नहीं होंदे, ठीक है, पूरी तरह खिले नहीं होंदे, अद खिड़े है भाव की जिहड़े फ्लावर है हले पूरी तरह खिले नहीं हन, खिड़े नहीं हन। नेक्स्ट लिखो अद फुल्ला। अध फुला मतलब है पूरी तरह जिवें कोई प्लेट है, ठीक है, आपा बाउल है, बाउल दे आपा प्लेट रखी पूरी तरह ढक्कन नहीं रखिया, थोड़ी जी बेटा खाली है, ठीक है, थोड़ी जी की है, आपा पूरी तरह प्लेट ऊपर पूरी ढकी नहीं है, अध फुली है जी भाव की पूरी तरह ढकी नहीं, उन कहते अध फुला, ठीक है। इसे तरह है बेटा अध दे होर है अध वाटे, अध वाटे अधे रस्ते। वाटे का मीनिंग है रस्ता, वाटे का मीनिंग है रस्ता। अध वाटे मतलब अधे रस्ते, अध वाटे मतलब अधे रस्ते। क्लियर है, वर्ड ऐड कर लो सारे अवले, अध खिड़िया, अध खुला, अध वाटे, ठीक है बेटा, इन्ने तक वर्ड क्लियर है सब नू। नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड है अन। अन मतलब ना वाचक, अन अन मतलब अपन नाम वाचक लेने हैं। फर्स्ट है अन दा, बेटा नाल नाल एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दे जाना बुक ते, ठीक है बेटा, पेंसिल नाल लिखते जाना। अन अन अनर्थ, भाव की जिहड़ा कभी अनर्थ हो जावे, कोई दुर्घटना वापर जावे, कहिंदे अनर्थ हो गया। नेक्स्ट है अनादर, अन प्लस अनादर, ठीक है, अनादर वर्ड बेटा किदा बनया देखो, अनादर ना वर्ड किदा बनया है, इथों बनया देखो अन प्लस आदर, तो ठीक है, आपा एरा जिहड़ा की आदी मात्रा एदी भी आदी साउंड हुंदी, एदी भी आदी साउंड हुंदी ना, इस करके आपा एरा नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ आदी आपा साउंड लांगे, ठीक है, कन्ने दी मात्रा लांगे, अनादर, ठीक है, किसी दा अनादर करना, किसी नाल गलत करना, उनके कहंदे अनादर। नेक्स्ट लिखो अन दे अनपढ़, अनपढ़ अनजान अनहोनी, अनपढ़ जेड़ा पढ़िया लिखिया नहीं है, ठीक है, उनकी कहते हैं अनपढ़, ठीक है, जेड़ा पढ़िया लिखिया ना, उनकी कहते हैं अनपढ़, ठीक है, ऐसे तरह अनजान, जिन्हों असी जानते नहीं, ठीक है, अनपढ़ अनजान अनेक, अन प्लस एक अनेक, ए वाला वर्ड पता कितना बनया बेटा, इतों मिलके बनया है, देखो अन प्लस एक तो अनेक, ठीक है, अनेक मतलब बहुत ज्यादा, एक मतलब एक, अनेक मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि एदी भी साउंड ए दी हुंदी है ते ला दी साउंड भी ए दी है, इस करके अपन ना ना साउंड का भी ध्यान रखना है, ठीक है, इस करके ए दी मात्रा सिर्फ पानी ही इनी दी पानी, ठीक है, अनादर अनपढ़ अनजान अनेक अनंत, ठीक है, अन प्लस अंत, जिदा कोई अंत ना होवे उनकी कहंदे है अनंत। नेक्स्ट वर्ड है अण, ठीक है, अण सुनिया, सुनिया मतलब ध्यान नाल, अण सुनिया जेड़ा किसे दी गल नू ध्यान नाल ना सुने, उन कहंदे अण सुनिया। नेक्स्ट है बेटा अण होन, होन मतलब मौजूदगी, अनहोन जिदी मौजूदगी ना होवे, प्रेजेंस ना होवे। नेक्स्ट है अनगिनत, गिनत मतलब काउंटेबल, जिहड़ी चीज नूं असीं गिन सकदे हां, काउंट कर सकदे हां, अनगिनत अनकाउंटेबल जिहनूं आपां गिन नहीं सकते,
इसे तरह अनजान, ठीक है अनजान बेटा यार लिख लो, नाने वाले जिन्हें नन्ने वाले से लिखना, अनजान नाने वाले चांदा नन्ने वाले से नहीं आंदा, ठीक है इसे नहीं लिखना अनजान वर्ड्स, नाने वाले से लिखना है, ठीक है अनजान नाने चांदा नन्ने से नहीं आंदा जिन्हों अपन जानते नहीं, ठीक है अनजान है साडे लिए, ठीक है अनजान जान मतलब जानदा, अनजान जिन्हों से जानते नहीं, इसे तरह अनपछाता, ठीक है जिन्हों अनपछाता मतलब पछाता मतलब जान पहचान, ठीक है असं जिन्हों चंगी तरह पहचानते हाँ, अनपछाता जिन्हों असं जानते पहचानते नहीं हाँ, अनपछाता जिन्हों असं जानते पहचानते नहीं कहते अनपछाता, ठीक है इसे तरह बेटा एक दो वर्ड होर लिख लो, अणमिनिया जिस तरह अणगिनिया होंगे ना उस तरह अणमिनिया वर्ड होंगे, ठीक है जिड़ी चीज नु असं मिनिया नहीं चंगी तरह, ठीक है किन्ने किलो है एक है दो है, ठीक है चंगी तरह मिलिया नहीं है कि अण मिलिया, ऐसे तरह अण दे होर वर्ड लै करो अण डिठा, डिठा मतलब देखा होया, अण डिठा अनसीन, अण डिठा पैरा कर दिया ना बेटा, अनसीन पैसेज एक पैरा आंदा है ओदे नाल रिलेटेड फोर या फाइव क्वेश्चन आंदे है, भाव कि जिहड़ा पैरा तुहानू किसी बुक दे विचों नहीं आंदा अनसीन पैसेज हुंदा है, ओह की हुंदा है अनडिठा जिन्हों असीं देखिया नहीं है किसी भी बुक दे विचों आ सकदा है, क्लीयर है बेटा, इस तों इलावा लिख लो बेटा एक होर अनव्याया, अनव्याया जिहदा हले ब्याह नहीं होया, ठीक है ब्याह मतलब मैरिड, अनव्याया जिहदा हले ब्याह नहीं होया उन्हें की कहिंदे है अनव्याया। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड स, स मतलब सार, ठीक है स चित्र तस्वीरा समेत, ठीक है जिवें बुक है कोई बुक है, ठीक है ओदी बुक दे विच तस्वीरा बनिया तस्वीरा समेत लिखा होवे स चित्र तस्वीरा समेत। नेक्स्ट है सजीव, जीव मतलब जीव जंतु, सजीव बेटा होंगे जेडे चल फिर सकते है सह ले सकते है खा पी सकते है, एक होंगे नजीव एक होंगे सजीव, सजीव होंगे बेटा जिवें असीं मनुख आ गया जानवर आ गए जेडे खा पी भी सकते है चल फिर भी सकते है, तो नजीव होंगे है जेडे चल फिर नहीं सकते सह नहीं लै सकते खा पी नहीं सकते, जिवें मेज है कुर्सी है टेबल है, ठीक है सजीव पता चल गया कि होंगे है मतलब जेडे चल फिर सकते है सह लै सकते है। नेक्स्ट है सफल, फल मतलब फल मिलना किसी काम का, सफल किसी काम दे भी सक्सेस मिलनी, ठीक है सफलता मिलनी सफल होना, ठीक है कहते हैं ठीक है सफल किसी काम दे भी सफलता मिलनी भाव की सफल हो गया है। कहते होर वर्ड लिखो स निमर, स निमर लिख लो वर्ड स निमर, एप्लीकेशन लिखते हो तुम लिखते हो ना सनिमर बेनती है कि, ठीक है सनिमर मतलब निम्रता सहत, सनिमर निम्रता सहत, निम्र मतलब निम्रता, सनिमर निम्रता सहत बेनती है कि, ठीक है बेटा स निम्र। नेक्स्ट है सब, ठीक है सब का मीनिंग होता है छोटा, सब का की मीनिंग है छोटा। फर्स्ट है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तो थले वाले नु की कहंदे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तो नीचे वाले नु सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है सब कमेटी, ठीक है सब कमेटी, ठीक है कमेटी ऑफिस जाते ना कोई आपां रजिस्ट्री करवानी होंदी कुछ भी काम करवाना होंदा आपां, ठीक है कोई बिल वगैरह नाल रिलेटेड कहंदे सब कमेटी तो थले वाले नु सब कमेटी। नेक्स्ट है सब जज, जज तो थले वाले नु सब जज। ऐसे ही सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब छोटे नु सब रजिस्ट्रार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ऐड कर लो सब दे सब स्टेशन, ठीक है एक तो स्टेशन होता है मेन स्टेशन जिथे गड्डियां रुकदी हैं ट्रेन रुकदी हैं, स्टेशन सब स्टेशन बाकी छोटे छोटे स्टेशन जिथे छोटे छोटे स्टेशन बने होंगे ना ज्यादा वड्डा होंगे, एक तो मेन स्टेशन होंगे एक सब स्टेशन होंगे बेटा, छोटे छोटे स्टेशन बने होंगे जिथे गड्डिया जी रुकदिया हैं सब स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सब डिवीजन,
डिवीजन मतलब वंडना, ठीक है, सब डिवीजन अंगो वंडना, भाव कि जिवें मैं चार बच्चों का ग्रुप बनाता बच्चे कह दिया तू इन्होंने बच्चों जो कि पंजाबी सिखानी है, ठीक है, पर मैं ग्रुप बनाता डिवीजन करती, तुसी अगो आप अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है, भी दो बच्चों नू मैं सिखावांगी, दो नू तू सिखाई, ठीक है, डिवीजन अगो डिवीजन करती हूँ, कहते सब डिवीजन, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है सेवन वर्ड सू, ठीक है, जिस तरह स होंगे उस तरह सू, सू आप चंगे च लैने, ठीक है, सू कि लैने आप चंगे दे विच, ठीक है, फर्स्ट है सू दा सुशील वर्ड कट देना बेटा, शील दा कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है सुगंध, गंध मतलब स्मेल, गंध दा मीनिंग है स्मेल, सुगंध अच्छी स्मेल, ठीक है, सुगंध मतलब अच्छी स्मेल। नेक्स्ट है सुभागा, भागा मतलब किस्मत, सुभागा जिदी किस्मत अच्छी होवे उन्हें कहते हैं सुभागा, ठीक है, होर वर्ड ऐड करो सु दे सुलेख, सुमत वर्ड ऐड करो बेटा बाद मीनिंग दस दी, सुलेख, सुमत, सुपत्नी, सुपत्नी, सुचज्जा, ठीक है, सुलेख, ठीक है, सुलेख मतलब ऐसे, सुलेख मतलब अच्छी राइटिंग दे विच लिखना, सुलेख फर्स्ट सेकंड च करदे सी ना बेटा सुलेख, ठीक है, गुड हैंड राइटिंग, सुलेख मतलब गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है सुमत, मत मतलब, ठीक है, किसी नूं चंगा सिखाना, ठीक है, मत देना, ठीक है, सुमत मतलब किसी नूं चंगी मत देना, चंगी गल सिखाना, सुमत मतलब किसी नूं चंगी गल सिखाना। नेक्स्ट है सुपत्नी, पत्नी मतलब वाइफ, सुपत्नी जेड़ी चंगी पत्नी होवे, ठीक है, सू दा मीनिंग असीं चंगे च लैने आ, सू दा मीनिंग चंगे दे, ऐसे दा सू चज्जा, चज्जा दा मीनिंग है चंगे काम करने वाला, चज्जा दा मीनिंग है जेड़ा चंगे काम करे, सू चज्जा भाव कि जेड़ा चंगे जेड़ा बहुत चंगे काम करे, ठीक है बेटा। सह, सह, सह दा मीनिंग है नाल, ठीक है, साथ, नाल मतलब साथ, सह, सह गान, गान मतलब गाना, सह गान ग्रुप सॉन्ग, ठीक है, जिवें स्कूल दे ग्रुप सॉन्ग गांदे सी ना, 5 to 10 स्टूडेंट दा हो गया या 3-4 स्टूडेंट दा, उन्हें कहंदे सह गान, गान मतलब गाना, सह गान ग्रुप सॉन्ग। नेक्स्ट है सहपाठी, पाठी मतलब पढ़ने वाला, सहपाठी क्लासमेट, ठीक है, सहपाठी क्लासमेट जिहड़ा नाल पढ़दा है। सहमत, ठीक है, मत मतलब किसी ने कोई राय दी है, सहमत भाव की उसकी राय दे नाल, उसकी गल दे नाल मैं सहमत हाँ, भाव की जो उसने किया है ठीक किया है, उन्हें कहते हैं सहमत। इसे तरह बेटा सह दे लिख लो, और सहयोग, सहयोग किसी दे सहयोग दे नाल काम करना, किसी दी हेल्प नाल काम करना, उन्हें कहते हैं सहयोग, ठीक है, सहयोग, इसी तरह सहकारी वर्ड होता है। नेक्स्ट है शाह, शाह, शाह का मीनिंग है बड़ा, शाह का मीनिंग है बड़ा, शाह, शाह सवार, सवार मतलब सवारी करने वाला, शाह सवार जेड़ा बहुत अच्छी तरह जिवें घोड़सवारी विच बहुत ज्यादा माहिर होवे, एक्सपर्ट होवे, उन्हें कहते शाह सवार। नेक्स्ट है शाहकार, ठीक है, शाहकार है या शाहूकार है जिहदे कोल बहुत ज्यादा धन दौलत है या बहुत वड्डे काम करदा है, कार मतलब काम करना। नेक्स्ट है शाह खर्च, खर्च मतलब खर्चा करना, शाह खर्च बहुत ज्यादा जदों खर्चा होवे, भाव कि जदों घर दे विच किसी दी मैरिज हुंदी है, ठीक है, कोई फंक्शन होंदा है उदों शाह खर्च होंदा है, बहुत ज्यादा पैसे खर्चे जांदे है। नेक्स्ट है शाह, शाह राह, बहुत वड्डा राह, शाह राह बहुत वड्डा राह, बहुत वड्डा रस्ता, उन्हें की कहंदे शाह राह, बहुत वड्डे रस्ते नूं की कहंदे शाह राह, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो से, हम, नेक्स्ट है हम, नेक्स्ट है हम, हम मीनिंग बराबर, इक्वल, हम जोली, ठीक है, हम जोली पाकी इको जे हन। नेक्स्ट है हम दर्द, हम दर्द मतलब किसे दे दर्द दे विच, दुख दे विच उदा साथ देना, कहते हम दर्द, ठीक है, किसे दे दर्द दे विच दुख दे विच उदा साथ देना, कहते हम दर्द। इसे तरह हम राज, ठीक है, कोई राज दी गल है, कोई सीक्रेट है, ठीक है, वो सीक्रेट गल असीं अपनी मदर नूं दसी या अपनी सिस्टर नूं दसी हो कि हम राज हो गया, भाव कि मेरा राज वो भी जानता है, हम राज। नेक्स्ट है हम राही, राही मतलब रस्ता, ठीक है, हम राही जिहड़े जिहड़े दो व्यक्ति इको रस्ते दे जा रहे हैं, हम राही, ठीक है, इको रस्ते दे जिहड़े बराबर बराबर चलन की कहते हम राही। इसे तरह बेटा हम शक्ल है, हम उमर, एड करो वर्ड बेटा, हम शक्ल, ठीक है, हम शक्ल जिहड़ी जिन्हां दी शक्ल इको जिही होवे उहनूं की कहते हम शक्ल। इसे तरह बेटा हम उमर, हम उमर, हम जमाती, ठीक है, हम शक्ल, ठीक है, जिवें ट्विंस सिस्टर है या ब्रदर है जिन्हां दी शक्ल इको जिही होवे उहनूं कहते हम शक्ल, ठीक है, हुंदे ने बेटा ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, जिन्हां दी शक्ल जिहड़ी कि मिलदी होवे। नेक्स्ट है हम उमर, इको उमर दे, इको एज दे, ठीक है, हम उमर भाव की इको एज दे, जिवें उहदी उमर भी 12 साल है ते उहदी भी सेम एज दे है, या बर्थ भी जिहड़ा कि है सेम, जिहड़ा कि डे नूं होया सेम सन दे विच। नेक्स्ट है हम जमाती, ठीक है, इको क्लास विच पढ़दे है, उहनूं कहिंदे हम जमाती जिहड़े इको क्लास विच पढ़दे होण, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, एनी तक क्लियर है बेटा सब नूं, अगेतर क्लियर है तक,